स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ HDFC बैंक की ऑफर्स की और इंस्टा लोन लेने की, कि हम HDFC बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं, इंस्टा लोन कैसे ले सकते हैं। और उससे पहले कुछ ऑफर्स की बात करेंगे। आपको नेट बैंकिंग अपनी लॉगिन कर लेनी है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग HDFC का पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं है तो आप अपनी ब्रांच में से जा करके उनसे यूज़र नेम और पासवर्ड ले सकते हो, या आप अपना डेबिट कार्ड से फॉरगेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, नेट बैंकिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एंड वाला ऑफर सेक्शन जो आप देख पा रहे हो, ऑफर सेक्शन के अंदर आप लोगों को आ जाना है। जैसे ही आप लोग इन ऑफर सेक्शन के अंदर आते हो तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो गेट अ लोन ऑन क्रेडिट कार्ड एन अमाउंट ऑफ 090XX लोएस्ट मंथली इंटरेस्ट रेट चेक EMI। दो ऑफर दे रखे हैं, सेम की सेम ऑफर है। इसके अलावा से ऑफर आप देख पा रहे हो 10 लाख के बाइक की ऑफर है, और सबसे बड़ी 15 लाख की ऑफर है जो कि कार लोन ले सकते हैं हम HDFC बैंक की तरफ से। और फिर एक ड्रीम बाइक का टू व्हीलर लोन का दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है इंजॉय द इम्प्रूव्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन योर फिक्स डिपॉजिट। मतलब फिक्स डिपॉजिट कराने के बाद 5.70% की इंटरेस्ट हमको ये देंगे। इसके अलावा ये कुछ सेव अप टू 1450 रुपये मंथली विद डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से स्मार्ट पे से, स्मार्ट बाय से, ऐप पेज ऐप से कुछ बाय करेंगे तो काफ़ी कुछ फ्री मिलेगा। तो इसके अलावा बात करेंगे, सबसे अच्छी बात करेंगे HDFC कार विद एक्सप्रेस कार लोन। ये कार लोन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। एक्सप्रेस कार लोन किसको बोलते हैं? एक्सप्रेस वो होती है जिसको कि एक घंटे के अंदर अंदर आपको 20 लाख तक रुपए का लोन का ऑफर दे देते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों इसके आगे वाली, अभी हम चलते हैं इंस्टा लोन के ऊपर, कि हम HDFC बैंक से इंस्टा लोन कैसे ले सकते हैं अपने डेबिट EMI पे, क्रेडिट कार्ड पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक पेज नया ओपन हो गया। यहाँ पर आपको अपना नंबर फिल करना है। जैसे आप अपना नंबर फिल करोगे और अपने लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के दोगे और वहाँ पे क्लिक करोगे तो लोन अमाउंट का खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने ये ओपन कर दिया है अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर भरने के बाद। अभी मेरे को एक OTP आई है, तो OTP जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल करी, OTP फिल करने के बाद मेरे को यहाँ पे मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 22,500 रुपये का लोन मिल रहा है। मैं कितना भी लोन ले सकता हूँ यहाँ से, वो मेरी इच्छा है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो 10,000 से लेके कितने भी अमाउंट का लोन मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यही पीरियड्स है कितने टाइम में मुझे लोन को वापस देना है। अगर मैं 10,000 का लोन एक इन से ले रहा हूँ तो 12 महीने का जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो मेरा 940 रुपये बनेगा। तो चलिए एक बार आप देख लेते हैं कि हमें इनको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमें इनको 11,280 रुपये देने आ रहे हैं। मतलब 10,000 रुपये लोन लेते हैं जिसमें से 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी और हमें इनके उस हिसाब से 2,280 रुपये भरने पड़ेंगे। 12 महीने का टेनोर है ये। 24 महीने की बात करें तो 520, 36 महीने की बात करें तो 382, 4 साल की बात करें तो 313, और 5 साल की बात करें तो सिर्फ 270 रुपये इनको हमें देने आते हैं। और ब्याज 1.78% की तरफ लग रही है, 21.36% पर एनम। तो इससे पहले अपन एक जंबो लोन लिया था यहाँ से 90,000 का, मैंने आपको वीडियो वहाँ पर बना के दिखाई थी मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। तो उसमें जो इंटरेस्ट था पर एनम का वो 11% था, यहाँ पे 21.36% है, मतलब डबल हो गया। तो वो वाला लोन इस लोन से काफ़ी बेहतर है। बट ये ऑफ़र हर किसी को नहीं मिलती, जिसकी वजह से इंस्टा लोन लोगों को लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे एग्री करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, तो ये सारी की सारी पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो यही है दोस्तों कि आप इंस्टा लोन, ये देखो आगे लिखा है ना सबमिट एंड रिसीव, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मैं कंफर्म करूँगा, सबमिट हो जाएगा, यही मेरे अकाउंट नंबर के अंदर मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं।